राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं मां बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि सफला एकाशी पर क्या करें, जिसे करने से संतान स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होगी। बंधुओं सफला एकाशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को आती है। बंधुओं इस एकाशी का हिंदू शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। बंधुओं कहा जाता है कि सफला एकाशी के दिन जो भी पूजा पाठ कथा श्रवण दान जप तप आदि किया जाता है, उसे करने से मनुष्य को जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। बंधुओं सफला एकाशी 2021 में 30 दिसंबर गुरुवार की है। बंधुओं वैसे भी कहा जाता है कि जो एकाशी गुरुवार की आए वह बहुत अधिक फल प्रदान करने वाली होती है। बंधुओं यदि गुरुवार की एकाशी आए तो कहा जाता है तुलसी जी के समक्ष सारी रात का दीपक लगाएं, अर्थात ऐसा दीपक लगाएं जो अखंड जगता रहे। बंधुओं ऐसा करने से मनुष्य की व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में मनुष्य को तरक्की मिलती है और अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। जो गुरुवार के दिन एकाशी आने पर तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक रात भर जगा कर रखते हैं। बंधुओं सफला एकाशी हर मनुष्य को करनी चाहिए ताकि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति हो। बंधुओं सफला एकाशी के दिन भगवान विष्णु के बीज मंत्रों का जाप करें, जरूरतमंदों को अन्न और गर्म वस्त्र दें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए फल दान करें। बंधुओं सफला एकाशी करने से मनुष्य को लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, साथ ही धन और दाम्पत्य से जुड़े संकट दूर होते हैं। यदि संतान को लेकर कष्ट हो तो सफला एकाशी के दिन इन उपायों को करें, जिन्हें करने से उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बंधुओं सफला एकाशी का व्रत करने से मनुष्य को हर कार्य में सफलता मिलती है और श्री हरि की कृपा से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं सफला एकाशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर व्रत संकल्प लें, इसके बाद श्री हरि की मूर्ति को या तस्वीर को पीले आसन पर विराजित करें, उन्हें सफेद चंदन या गोपी चंदन लगाएं। बंधुओं यदि हो सके तो तुलसी की काष्ठ को पीस लें और उसे गोपी चंदन में मिलाकर भगवान के तिलक करें। ऐसा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान के साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा करें, इसके बाद पंचामृत पुष्प और फल भगवान को अर्पित करें। इस दिन सुबह और शाम दोनों ही समय दीप आरती करनी चाहिए। सफला एकाशी के दिन गरीब लोगों को कंबल का दान अवश्य करें। बंधुआ सफला एकाशी की महत्ता ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताई है। कहा जाता है कि इस दिन धूप दीप फल पंचामृत भगवान को अर्पित करें और इसके बाद नारियल सुपारी आंवला अनार लौंग आदि भगवान को अर्पित करें। सारी रात जागरण करें और सारी रात भजन कीर्तन करते रहें। ऐसा करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं सफला एकाशी के दिन और व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। बंधुओं सफला एकाशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत के प्रभाव से अगले जन्म का रास्ता भी साफ हो जाता है। जीवन में अनेक खुशियां आती हैं। इस व्रत को रखने से भक्त को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है।
इस व्रत को करने से माना जाता है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, सफला एकादशी के दिन ऐसा क्या ना करें जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। बंधुओं, सफला एकादशी के दिन बिस्तर पर ना सोकर जमीन पर सोएं। मांस, नशीली वस्तुएं, लहसुन और प्याज का सेवन भी भूल कर ना करें। सफला एकादशी की सुबह दातुन भी ना करें। इस दिन किसी पेड़ या पौधे की फूल पत्ती तोड़ना भी अशुभ माना जाता है। बंधुओं, प्राचीन काल में चंपावती नगर में राजा महिष्मत राज्य करते थे। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लियुक बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता रहता था। एक दिन दुखी होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया, लेकिन फिर भी उसकी लूटपाट की आदत ना छूटी। एक समय उसे 3 दिन तक भोजन ना मिला। इस दौरान वह भटकता हुआ एक साधु की कुटिया पर पहुंच गया। सौभाग्य से उस दिन सफला एकादशी थी। महात्मा ने उसका सत्कार किया और उसे भोजन दिया। महात्मा के स्वभाव से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया। धीरे धीरे लयुक का चरित्र निर्मल हो गया। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत रखने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में स्वयं उसके पिता सामने खड़े थे। इसके बाद लयुक ने राजकाज संभाल कर आदर्श प्रस्तुत किया और वह आजीवन सफला एकादशी का व्रत करता रहा। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।